ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਜੀਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में जोश काफी भरा हुआ नजर आ रहा है। 26 जनवरी की घटना के बाद आंदोलन एक बार फिर खड़ा हुआ है। काफी सारा कट हुआ भी घटना हो चुका है। वही हरियाणा की महापंचायत भी एक्टिव हो चुकी है। चंडीगढ़ में मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। किसान भवन से यहाँ पर तिरंगा रैली निकाली गई है। अपने हाथ में भारत का झंडा पकड़े हुए यहाँ पर किसान मौजूद है। लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफी भीड़ मौजूद है। लगातार किसान यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह लोग किसान नहीं थे, वह लोग उनके द्वारा ये शरारती तत्वों के द्वारा ये कार्य किया गया, किसानों द्वारा ये कार्य नहीं किया गया। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद है, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੜ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਮੜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 47 ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੱਟ ਨਾਗ ਦੇ ਡਰੇ ਹੈ, ਨਾਗ ਦੇ ਡਰੂੰਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਤਾ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਦਊਂਗੇ। बट ये काम चलना नहीं है। अभी जट खड़े हैं, मजदूर खड़े नाल, एक ठोक के खड़े हैं, मर गए दिल्ली। हुण तक मेरा भरा मर गया, होर दसो, दिल्ली दिल्ली मेरा भरा मर गया, ब्रदर मेरा सगा भरा दिल्ली, ठीक है। उन्होंने असी परसों वो करके आए हैं, ठीक है, उनका संस्कार करके आए हैं। पर आह गल चलनी नहीं है, मर जट भी मर जूगा, कोई कहानी नहीं हैगी। पर आए नहीं आह जरा गुंडा राज, जाने जाती हुई दिखाई दे रही है। भी कई लोग अपने जाने गवा रहे हैं। वही आंदोलन का भी शुरू होता नजर आ रहा है। हम लगातार इस तरह अपडेट देते रहेंगे। चंडीगढ़ से होने जांच के लिए आगे।